हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? बहुत दिन फाइन। तो आज हम बात करेंगे फिर से M30S की। इसमें आपको बताने वाला हूँ इसके खास फीचर्स, 5-6 जो ऐसे हैं जो किसी भी फ़ोन में आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या है वो फीचर्स और जिसके बारे में बार बार बात हो रही है वो आपको बताएंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड जरूर देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आते हैं रोज रेट सारी इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड बी विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है ऑडियो में डॉल्बी एटमस। इस लेवल, मतलब इस बजट के फ़ोन में डॉल्बी एटमस होना बहुत बड़ी बात है। कोई भी इस सेगमेंट में जितने भी आपको मिलेंगे फ़ोन्स, मेरे नॉलेज में अब तक है बहुत कम ऐसे जो डॉल्बी एटमस को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। डॉल्बी एटमस क्या है? डॉल्बी एटमस एक एनकोडर है जिससे आपको, जब आप इसमें वीडियोस देख रहे होंगे जब जिसमें डॉल्बी एटमस को यूज़ किया हुआ, जैसे जितने भी हॉलीवुड्स की मूवीज़ आती हैं या जो वीडियोस आते हैं या आजकल हिंदी मूवीज़ में भी डॉल्बी एटमस यूज़ हो रहा है, तो उसमें आपको ये एक्सपीरियंस पता लगेगा जिसमें आपको नॉर्मल स्टीरियो स्टैंड में लेफ्ट राइट का चैनल्स होते हैं, डॉल्बी एटमस में पूरा 3D साउंड जितने भी आपके, अगर ऊपर से जहाज़ जा रहा है तो वो भी आपको महसूस होगा इसके अंदर। लेकिन आपको लगाना पड़ेगा हेडफोन, चाहे ब्लूटूथ से लगाइए चाहे आप इसके हेड जैक से लगाइए, यहाँ पर हेड जैक भी है। तो दोनों में ये बहुत ही बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस देता है। और अगर आपने सच में एक्सपीरियंस करना है इसके साथ कि क्या होता है डॉल्बी एटमस, तो आप यूट्यूब पर डॉल्बी एटमस वीडियोस डाल के देखें, तब आपको हेडफोन लगाएं पता लगेगा कि व्हाट इज़ डॉल्बी एटमस इन दिस। तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो यस, इसमें वो बात है। नंबर टू है बैटरी। इसकी 6000 mAh की बैटरी इस सेगमेंट में, इतनी ज़्यादा बैटरी और इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में कोई भी फ़ोन आपको नहीं दे रहा है। तो ये इसका दूसरा यूनिक फीचर है जो किसी भी फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा, वो इसमें मिल रहा है। तीसरा इसका है डिस्प्ले, बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइट कलरफुल रिच OLED डिस्प्ले। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, सैमसंग इज़ द वन ऑफ द कंपनी जो वर्ल्ड ओवर बनाती है डिस्प्लेस। इवन जो आईफोन एक्सेस के फ़ोन्स हैं, फ्लैगशिप फ़ोन्स जैसे आईफोन एक्सेस, जैसे ये है मेरे पास, इसकी जो स्क्रीन डिस्प्ले भी सैमसंग ही बनाता है। तो वो चीज़ इसमें आपको मिलती है इस प्राइस में, तो दैट इज़ इनक्रेडिबल फ्रॉम सैमसंग। तो अब अगला एक फ़ीचर इसका आपको बताते हैं जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, और कि इसके अंदर इंटरनल कुछ फीचर्स हैं जिनकी इनको रिक्वायरमेंट है, और वो है कॉल रिकॉर्डिंग का नंबर एक, वो इसके अंदर इंटरनल है। तो आपको बता देता हूँ इसके अंदर है, तो ये फ़ीचर भी इस फ़ोन में, मतलब आईफोन जैसे फ्लैगशिप फ़ोन में आपको मिलता है, तो वो फ़ीचर आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। और नंबर टू, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फ़ीचर में काफ़ी क्वेश्चन आया था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें होती है या नहीं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें फ्रेंड्स एज सच इसमें इनबिल्ड, अगर मैं कहूँ यहाँ पर, यहाँ से करके वो नहीं है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सैमसंग के अपने ऐप्स हैं जिसको आप इंस्टॉल करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज इट। ये थे इसके यूनिक फीचर जो आपको किसी भी फ़ोन में इस सेगमेंट में नहीं मिलता है, जो इसमें मिलता है। सबसे बढ़िया इसकी बैटरी, सबसे उससे भी ज़बरदस्त इसका डिस्प्ले, एंड उससे ज़्यादा ज़बरदस्त इसके जो डॉल्बी एटमस साउंड जो कि हेडफोन्स पे अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज काफ़ी डिमांड में फ़ोन है। मेरी क्या रिकमेंडेशन है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ एक दो चीज़ें इसमें जो नहीं भी हैं तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं, वो डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड फोन। सब्सक्राइब कीजिए, हिट लाइक, एंड दिस वीडियो वॉज ब्रॉट टू यू बाय GetMadam.com। थैंक यू।